तेरे शहर में के सेट पर सीरियल ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और इस बार का ट्विस्ट है अमाया की सास। सुमित्रा ने रुनझुन बुआ को दिया है सदमा, लेकिन इस बार सुमित्रा ने अमाया के बजाय रुनझुन बुआ को कैसे डाल दिया मुसीबत में, यही है शो में इस बार का ट्विस्ट। लेकिन अब अध्यक्ष महोदया थोड़ी परेशानी में है। दरअसल मंदिर से हो गई है गहनों की चोरी और अब भगवान के श्रृंगार के लिए गहनों की जरूरत है और इसीलिए कुछ मंदिर के लोग सुमित्रा के पास आए हैं समस्या का हल मांगने। अब आप ही अध्यक्ष हैं तो आप ही कोई समाधान निकालिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं पांडे जी, आप कुत्ता परिवार के आंगन में बैठे हुए हैं, हम क्या भगवान को बिना गहने के रखेंगे? ऐसे में सुमित्रा ने रुनझुन बुआ को अपने गहने देने का आदेश दिया है और रुनझुन बुआ को लग गया है सदमा। हमारे शो में रुनझुन बुआ और मौसी और नानी, हम तीनों मिलकर के एक दाल में तड़का लगाने का काम करते हैं। तो हमेशा एक कहावत है कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो हम बाहर वालों को तो बहुत सदमे देते हैं, आज पहली बार हमारी भाभी ने हमें सदमा दिया है, तो ये रुनझुन बुआ पे जरा भारी बात है। तो अब देखना ये है कि रुनझुन बुआ इस भारी मार को सहती है या भौजी को पलट के वार देती है। वैसे गहने लेने की नौबत आई क्यों, जरा ये तो बता दीजिए। गहनों का एक्चुअली पहले से चल रहा है, चोरी हुई है भगवान के जेवरों की, तो हमें उसकी भरपाई करनी है, उसी बारे में बात हो रही है कि कौन भरपाई करेगा। तो भौजी की सलाह ये है कि मैं वो भरपाई करूं, जो पॉसिबल नहीं है। भाई बुआ, आपको तो अपने गहनों से बड़ा प्यार है, ऐसे में गहने आपने अपनी भाभी को दे कैसे दिए? हिंदुस्तान में कोई भी औरत अपनी जान से ज्यादा अपने गहनों को प्यार करती है और रुनझुन बुआ तो बहुत ज्यादा ही प्यार करती है, जबलपुर से लेकर आई है अपने साथ, तो सवाल ही नहीं उठता पूछने का कि कौन ज्यादा प्यार करता है। अपने जेवरों को औरत सबसे ज्यादा प्यार करती है। मंदिर के गहने चोरी होना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं, लेकिन अब इन गहनों की चोरी के पीछे हाथ किसका है? गहनों का, मंदिर के गहने चोरी हो गए और बस उसी के पर इल्जाम लग गया है रचिता के ऊपर। तो अब देखो एक्चुअल में किसने चोरी की है, वो तो वक्त आने पर पता चल जाएगा सब। सुमित्रा अपनी बहू और उसके मायके वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। कोई भी मौका हो अमाया को तंग करने में सुमित्रा को काफी मजा आता है। अमाया के पीछे से इसलिए पड़ी हुई है कि उसको प्रॉब्लम है ना अमाया से, क्योंकि उसकी बेइज्जती हुई, उसके लड़के को बहुत मारा था, तो कहीं ना कहीं वो रिवेंज वो दिमाग में बदला है ही है। फिर एक वक्त के बाद आदमी लालची भी होने लगता है, तो फिर अगर अमाया हाथ से चली जाएगी तो फिर मजा भी आने लग गया है, तंग करने में मजा भी आने लगता है ना, कि आपको अचानक से इतनी अथॉरिटी मिल गई है। उसके पहले हस्बैंड आपको हल्का सा डांट देता था, तो अभी तो मतलब बहुत सारी चीज़ें उसकी मुट्ठी में है, तो किसको अच्छा नहीं लगता है। चलिए अब गहनों की चोरी के पीछे किसका है हाथ और रुनझुन बुआ भगवान के श्रृंगार के लिए अपने गहने देती हैं या नहीं, ये आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस।